करें सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बैठिए प्लीज। पुष्पराज जी सर। थैंक यू सर। पुष्पराज। यस सर। आपकी कुछ विशेष जानकारियां दीजिए आपके व्यक्तित्व के बारे में। सर मेरी व्यक्तित्व के बारे में, मैं सर एक ऑनेस्ट व्यक्ति हूँ सर, और फ्लेक्सी काम को लेके सर फ्लेक्सिबल हूँ, और सर बताइए सर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स में बेहतर हूँ सर मैं। जी सर। टाइम मैनेजमेंट में जी सर बेहतर है। कहाँ पोस्टेड है अभी? सर मैं अभी आरईएस के अंदर इंदौर में पोस्टेड हूँ उपयंत्री के पद पर। ओके जी। तो ये आपने कब ज्वाइन किया था? 2023 अभी रिसेंटली ज्वाइन? यस सर, इसके पहले मैं जुलाई से ज्वाइन किया। यस सर। उससे पहले आप संविदा से अपॉइंट हुए थे ना? यस सर। अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। अच्छा ये बताइए, ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ ये जो संविदा जो नियुक्ति थी आप, यस सर, उस दौरान आपके क्या अचीवमेंट्स रहे? सर मैंने उस दौरान तीन वाटर सप्लाई स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करवाया है सर, जिसमें सर मांडो जलप्रदाय योजना है, धामनोद जलप्रदाय योजना है, और सर सुसनेर जलप्रदाय योजना है। जी सर। अच्छा ये जो आपने ये जो भी कार्य किए, जो तीन आपने हाईलाइट किए, यस सर, मुझे बताइए कि हमें हमारे ये कंट्री में और इस रीजन में सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्यों नहीं अवेलेबल होता है? Why we have to go for AquaGuard or any other, Yes, sir. Sir, why government never emphasizes on safe drinking water? जी, सर उसका एक रीजन है टर्बिड वाटर, टर्बिडिटी ज्यादा होने के कारण सर उसको जो ट्रीटमेंट देने की एक आवश्यकता है, और सर एक क्यों नहीं हो रहा है? That's what I'm asking. सर इसका एक मुख्य रीज़न ये भी है कि कुछ सर इसमें पॉल्यूशन ज़्यादा है, और सर नदियों में कुछ पॉल्यूशन ज़्यादा होने के कारण सर। तो आपके जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसके वो कभी आपने जाके सर्वे नहीं किया कि उसमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं जिसको हम पूरा कर सकते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात कर रहे हैं सर? वाटर ट्रीटमेंट नहीं सर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वाटर पे हूं। नहीं अच्छा, ओके 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 सर। सीवेज पे आप पहुंच गए? नहीं सर, मुझे कुछ और लगा। ठीक है। व्हाई व्हाई योर प्रेजेंस ऑफ माइंड? नो 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 सर। वेयर यू प्रेजेंट? हियर सर। आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रिंकिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर सर। सर उसमें एनी ऑफ द नहीं सर, अगर अपन यहां पे ये होता है प्यूरिफिकेशन? यस सर। यस सर डेफिनेटली। नो सर, उसके बाद सर अगर फिल्टर प्लांट करते हैं जो भी उसके पैरामीटर्स है सर, उस पैरामीटर्स का वाटर अवेलेबल होता है सर, उसमें सर एक्वा गार्ड या उसकी जरूरत नहीं लगती है। क्या होता है, बट व्हाट इज द कंपोजिशन जो होता है ना वो ट्रीटमेंट के बाद? जी सर। पानी हम लोग पीते हैं उसका क्या कंपोजिशन है बताइए सर? उसमें टीडीएस की मात्रा कुछ होनी चाहिए, 200 परमिसिबल है उसकी सर। होनी नहीं चाहिए? यू आर इन्वॉल्व विद दिस? यस सर। कि नहीं है? है सर, होना चाहिए। होना चाहिए मतलब फिर होना चाहिए? हाँ सर। हैव यू नॉट ड्रिंक दैट वाटर? नहीं सर, ड्रिंक दैट। यू ड्रिंक? यस सर। सर उसमें कुछ मिनरल्स होने चाहिए जो अपनी बॉडी के लिए एसेंशियल्स हैं। व्हाट आर दोस मिनरल्स सर? क्लोराइड, फ्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन एक्सेट्रा। यस सर। ओके। सो ये जब एनालिसिस आपने करवाया, कभी करवाया वाटर का एनालिसिस? यस सर करवाया। वेरिफिकेशन के बाद ये वाटर अवेलेबल है? यस सर करवाया। एनालिसिस किया? यस सर। तो उसमें आया ये कंपोजिशन? यस सर आया। यस सर। उसके बाद ही सर हम सप्लाई करते हैं, जो उसका एक सैंपल लेने के बाद उसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही हम नगर में सप्लाई करते हैं सर। ठीक है। एंड नाउ व्हाट इज योर रोल? आज ये जो आपने लिख रखा है इसमें ये जॉइंट ग्रामीण यांत्रिक की सेवा। जी सर। क्या रोल है आपका? सर मैं अभी मुख्य अभियंता ऑफिस में ऑफिस अटैच हूँ सर, अभी मैं फील्ड पे नहीं हूँ इसमें। अच्छा। इसमें जी सर फील्ड में नहीं गए? नहीं सर। ओके। अभी मुझे नहीं भेजा। टेल मी समथिंग अबाउट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, क्या जानते हैं पीडब्ल्यूडी सर? डिफरेंशिएट बिटवीन सीपीडब्ल्यूडी एंड पीडब्ल्यूडी सर? जी सर, सर पीडब्ल्यूडी क्योंकि काफी पुराना डिपार्टमेंट है सर, ये
जो पीडब्ल्यूडी का फॉर्मेशन हुआ था सर वो 1854 से आया है और अभी तक इंजीनियरिंग का उसको एक कोर डिपार्टमेंट कहा जाता है सर पीडब्ल्यूडी को। जी सर, और पीडब्ल्यूडी और सीपीडब्ल्यूडी में एक जो मेजर डिफरेंस है सर, सीपीडब्ल्यूडी जो करता है सर एक सेंट्रल की जो स्कीम्स इम्प्लीमेंट करता है और सर पीडब्ल्यूडी स्टेट का वो स्टेट की इम्प्लीमेंट करता है योजनाएं। यस सर, आप गवर्नमेंट में ही क्यों अपना योगदान देना चाहते हैं, उसका कोई रीज़न है? सर एक बचपन से ही सर एक राष्ट्र निर्माण को लेकर अपना कंट्रीब्यूशन देने का इसमें एक मन था मेरा सर, तो इसलिए उसमें कुछ थोड़ा कंट्रीब्यूशन देने के लिए सर मैं गवर्नमेंट जॉब को मैं चूज़ करा है मैंने सर गवर्नमेंट फील्ड। तो लेकिन आजकल तो जितना भी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सब गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को दे रही हैं प्रोजेक्ट। यस सर, तो उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? नहीं सर, इम्प्लीमेंट तो गवर्नमेंट एजेंसी को ही करवाना, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं, प्राइवेट एजेंसी कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं। मेट्रो में मेट्रो कौन बना रहा है बताओ? सर मेट्रो में सर एक कोई पर्टिकुलर इन्वॉल्वड है उसमें? जी सर उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं, प्राइवेट कंपनी देयर नो यू आर ओनली मॉनिटरिंग। नो सर उसमें गवर्नमेंट कंपनी भी एजेंसी गवर्नमेंट कंपनी ही है, मध्य प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो उसमें तो सिर्फ सुपरविजन है उनका? यस सर, सुपरविजन उनके अंडर ही हो रहा है। उसमें कोई टेक्निकल नो हाउ थोड़ी कोई गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, टेक्निकल नो हाउ तो उस कंपनी का जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। जी सर, उसमें सर एक कंपनी नहीं है, अलग अलग कंपनियां हैं सर, दिलीप बिल्डकॉन है और अपना रोहित एसोसिएट्स है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना, प्राइवेट कंपनीज को तो ज्यादा अच्छा टेक्निकल नो हाउ है उनके पास कम्पेयर टू गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई दे हैव बीन अवार्डेड दिस। You know about Delhi Metro Corporation? Yes, sir. वो किसका था? Oh, sir, private ही. Fully government था वो? Oh, sir, fully government. Sorry, sir. You don't know about this? Yes, sorry, sir. How come you are? Yes, sir. Such a knowledgeable person and you don't know about this? Yes, sir. Yes, Delhi Metro Corporation. Yes, sir. उस टाइप के नाम private firm को कभी registered होते ही नहीं है. जी सर. तो इसलिए? Okay, sir. Okay. मैं अभी recently एक incident हुआ था उत्तराखंड में. यस सर, जहाँ पे 41 जो लेबरर्स और टेक्नीशियंस वर्क, यस सर, टनल कोलैप्स, इट टुक ऑलमोस्ट 17 टू 18 डेज, यस सर, उनको बेल आउट करने के लिए, है ना। व्हाट वाज द टेक्निक्स इन्वॉल्वड एंड हु व्हाट वाज द टीम, द एक्सपर्टाइज वाज फ्रॉम व्हिच प्लेस? सर फर्स्ट थिंग सर, इसमें सर ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये जो मलबा गिरा सर, ये 200-300 मीटर दूर एंट्री ऑफ टनल से गिरा था सर। उसमें सर 60 मीटर का वो जो था पोर्शन था, उसमें सर फर्स्टली अपन ने ऑगर मशीन यूज़ करी थी, बट सर आफ्टर 45 मीटर सर वो वहाँ पे वो वर्क नहीं कर रही थी सर। तो उसके बाद सर अपन ने रेट होल माइंस यूज़ करी थी, उसके थ्रू फिर सर अपन ने सर ये ऑस्ट्रेलिया के हैं अर्नोल्ड डिक्स जी सर, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जो कि टनल एक्सपर्ट है, उन्हें बुलाया गया था और उन्होंने ये आइडिया दिया था। सर इसमें दिल्ली की कंपनी थी सर, technicians who yes, were called specially from which place? Yeah, sir. Because we don't have much of that this technique. Yes, yes. The technicians sir, we have, we don't have in India. Sir, I read it, sir, but they are specially called from some place. Sir, from Delhi, but sir, sorry, sir, मैं नाम recall नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने पढ़ा था, but sorry, नाम recall. अच्छा, what? Why this incident happened? You know, what are the main causes? Sir, इसमें according to you. सर अकॉर्डिंग टू मी इट्स सर, जहाँ पे ये सर जो हुआ है फेल्योर, वहाँ पे सर एक शेयर फेल्योर, मैं मानता हूँ एक शेयर फेल्योर हो गया, और सर टाइम के साथ वहाँ पे वो एक लूज स्टोन था, बट सर अंदर ही अंदर सर एक वाटर इरोजन होने के कारण सर वो मिट्टी जो थी लूज हो गई, इस कारण से सर वो कोलैप्स हुआ। ओके, यस सर। पुष्पराज, यस सर, फूलों का राजा किसको बोलते हैं? सर गुलाब को। श्योर कमल तो नहीं है? नहीं सर, गुलाब। क्यों गुलाब ही क्यों? सर उसके खूबसूरत और सौंदर्य और उसी के साथ सर जो उसकी खुशबू उसे बेजोड़ बनाती, इसलिए सर उसे फूलों का राजा कहा जाता है। और सर इसमें इसी के साथ सर एक ये गुलाब जो है एक औषधि के रूप में भी सर का काम आता है सर, इसी कारण उसे फूलों का राजा कहा जाता है। और भी कई सारे फ्लावर्स हैं जो औषधि में, यस सर, बट सर जो उसकी खूबसूरती हमारे से फ्लावर्स के जो यस सर में यूज आते हैं, बट सर जो उसकी खूबसूरती और जो और सौंदर्य, यस सर, मैं तो पूछ रहा हूं कि कोई और से फ्लावर्स जो औषधि में काम आते हो? और सर सर चमेली एक आता है, वो आता है, और सर अफीम सुना है?
यस सर सुना है। उसके फूल की औषधि बनती है क्या? सॉरी सर मुझे सुना है सर। ये क्या है, सब ड्रग्स है ना ये? नहीं सर, इससे भी मेडिसिन से औषधि रूप में भी कार्य आते हैं सर ये इसका। वही तो है। यस सर, वो शॉप पे लिखा हुआ है केमिस्ट एंड ड्रग्स, तो ड्रग्स थोड़ी ना इसका। हां सर, कि ड्रग्स बेच रहा है? नहीं नहीं सर, बेच रहा है इसमें वो ड्रग एक इन्वॉल्व है, बट जो ब्रांड है वो नहीं बेच रहा है। जी सर, ये डिफरेंस है, बेच तो ड्रग्स ही रहा है। जी सर, राइट जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि रेरा क्या है, रेरा पे बात करते हैं अपना। सर जो ये सर एक अर्बन प्लानिंग में एक नगर निगम से एक अप्रूवल जो मिलता है सर, ये वह रेरा है जो नई नई कॉलोनी बनती है सर। ये जो फुल फॉर्म रेरा का सर, इसका फुल फॉर्म सॉरी सर मुझे, ये बस नगर निगम से एक मिलता है जैसे गुमास्ता हो, लाइसेंस हो, व्यापार का, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, ये रेरा रेरा के हेड कौन है, एमपी के? सॉरी सर नहीं, डीएस का भी। रेरा के बारे में जानकारी ही नहीं आपको कुछ? आप कब अभी तक रेरा से पाला नहीं पड़ा क्या? नहीं सर, रेरा से हमारा कोई अभी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। अच्छा, तो आप अगर आपके एरिया में कोई कॉलोनाइजर कुछ बिल्डिंग्स बना रहा है या कॉलोनीज डेवलप कर रहा है, आप कैसे चेक करेंगे उसको? सर फर्स्टली सर उसमें लैंड एक्विजिशन है उसका चेक करेंगे, उसके बाद लैंड कितना अवेलेबल है। तो रेरा ने कुछ मानदंड बना रखे हैं, आपको जानकारी नहीं, आप कैसे उसको जज करेंगे? जी सॉरी सर, इस बारे में जानकारी नहीं। आपके एरिया में कोई सार्वजनिक स्थान है, लाइक कोई लेक हो सकता है जो ड्राई रहता हो मैक्सिमम, पर्टिकुलर सीजन में पानी आता हो, या कोई जंगल जैसा एरिया हो जी, उस पे कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं, प्लॉट काट रहे हैं, तो आप किसको कंप्लेन करेंगे? सर मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कंप्लेन करूंगा। सर मैं बेसिकली मेनली सर जो रेवेन्यू से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड मैटर कलेक्टर सर ही देखते हैं उनके अंडर में, तो सर उन्हें मैं करूंगा। एनजीटी क्या देखता है? एनजीटी क्या होता है, सुना है इसके बारे में कुछ? नहीं सर नहीं सुना है। वेरी गुड। इंजीनियर्स डे कब मनाते हैं? सर 15th ऑफ सितंबर। ये मोक्ष गुंडम, ये वर्ड सुना है क्या पहले कभी? जी सर। क्या है ये? सर ये विख्यात एक इंजीनियर हैं सर, जिनके ऊपर उनके जन्म दिवस पे सर ये मनाया जाता है, मोक्ष गुंडम के बर्थडे पे। जी मोक्ष, क्या पूरा नाम है इनका? सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया जी सर। कुछ अपनी बुराइयां बताइए ना, आपको लगता है एज ए ह्यूमन बीइंग सब में कुछ ना कुछ कमियां होती है? जी सर। हाँ सर बिल्कुल सर, एक सर एक जो मेरा नेचर है सर शाय इंट्रोवर्ट टाइप का है सर, और एक सर सर मैं कभी भी किसी टॉपिक को लेके कभी कभी वन साइड डाइवर्ट, मतलब वन साइडेड हो जाता हूँ, जो एंगर इशू का कारण बनता है मेरा वो। एंगर इशू? जी सर। वन साइडेड होना एंगर इशू मतलब फिर मैंने जो सोच लिया अब अगेंस्ट कुछ नहीं सुना ऐसा? नहीं सर, एक वो मैं अपनी कमियां बता रहा हूँ सर, ऐसा मैं मतलब ऐसे ही कुछ। यस सर। वन साइडेड हो जी सर। और मेजरली ये है सर, और बस यही है। हाँ मेजरली सर ये दो हैं। और अच्छाइयाँ क्या हैं आपकी? सर स्ट्रेन में सर मैं एक हार्ड वर्कर हूँ, और सर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स मेरी अच्छी है सर, और दूसरा तीसरा मैं सर एक होनेस्ट हूँ। यार अभी ये एक कांग्रेस के सांसद के घर पे रेड हुई है, इसमें 200 करोड़ रुपया, आधा घंटा लगेगा अभी कैश। यस सर मैंने हेडलाइन पढ़ी। तो आपको क्या लगता है भ्रष्टाचार किस स्तर पे है? सर इसमें भ्रष्टाचार जो है सर जो जी सर वो भ्रष्टाचार जो है वो सर जो ऊपर योजना है उन सबको लेके सर कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार हुआ होगा सर, योजनाओं को लेके। हाँ सर, जो कि सांसद रहे हैं वो। जी सर मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ है शासन में, प्रशासन में। जनरली सर शासन प्रशासन में सर नॉर्मली रेवेन्यू वगैरह सर इन सब डिपार्टमेंट्स का पेपर में आता है सर, वहाँ सुना हुआ है सर। तो सिविल में भी खूब सुना है भ्रष्टाचार, कॉलोनाइजर्स के कट फिक्स हैं इंजीनियर्स से।
नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं है? नहीं आपने सुना नहीं है तो आप अवेयर नहीं रहते? नहीं सर, जो सुना है सर उनके खिलाफ विभाग कार्रवाई कर रहा है सर, जो भी। यस सर। एनजीटी नहीं पता आपको? नहीं सर। ठीक है, आपका चयन क्यों किया जाए भैया? सर चूंकि मेरा सर इसमें एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सर, मैं एज ए सब इंजीनियर इसमें 5-6 साल से काम कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ सर एक सहायक यंत्री में मुझे ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और सर उसमें मैं अपना एक अच्छा योगदान दे सकता हूँ सर, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, बोर्ड से और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर। जी सर, जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।